फ्रेंड्स, मैं अंद्राला भंडारा। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं नागमणि बोंगे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर 45 डेज तेलुगु स्पोकन की क्लासेस चल रहे हैं, जिसका आज का ये 8वां दिन है। अगर आपने इनके प्रीवियस के क्लासेस नहीं देखे हो तो प्लीज चैनल पर जाकर उनको जरूर देखें। इस बार क्लासेस के साथ साथ उनके पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, तो अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करके हमें जरूर व्हाट्सअप करें। उन पीडीएफ्स के लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। 45 रुपीज इक्वल टू 45 डेज पीडीएफ। तो चलिए आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो आज का क्लास, जैसे कि लास्ट 7 क्लास थोड़ा समझने में परेशानी हो रही थी कि एक एक चीज को समझना पड़ रहा था, आज का क्लास एकदम झटके से आएगा। बस छोटी छोटी बातें, मतलब बड़ी बड़ी सेंटेंसेस छोड़ के काम चलाओ बातें, कि अगर आप कहीं तेलुगु प्लेस में है और आपको जरूरत का आप इजिली बोल पाएंगे। जैसे जरूरत की बातें आज सीखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस, बड़े नहीं सीखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे पर काम के सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट वन इज, आप कैसे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी से मिलते हैं, कोई मीटिंग हो, कहीं जा रहे हैं, कोई भी मिलता है तो सबसे पहले पूछेंगे ना, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं को तेलुगु में कैसे कहेंगे? मीरु एला उन्नारु। आप मीरु कैसे, एला है कैसे हैं, उन्नारु आप कैसे हैं, मीरु एला उन्नारु। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, देखिए हमें मीरु है, लास्ट में रू है तो उन्नारु आया है। इस बात को याद रखिएगा। मैं जहां पर भी मुझे कुछ भी आपको बताने लायक मिलेगा सेंटेंस में, मैं जरूर बताते जाऊंगी। प्लीज आप मेरे पीछे पीछे उस वर्ड्स को, उन सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिखा के भी ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको सिखाने का। तो मैंने प्रॉमिस अपने आप से भी किया है, आप लोगों से भी किया है। तो चलिए सीखते हैं। मीरु एला उन्नारु, आप कैसे हैं? जब भी किसी से मिले तो पूछिए मीरु एला उन्नारु, आप कैसे हैं? बोलते रहिए, गलत हो सही है बोलते रहिए। बस मैम बोल रही है, आप सुन रहे हैं, हाँ अच्छा बोल रही है मैम, नहीं आएगा। भले गलत हो सही हो बोलते रहिए, मैं बोलती हूँ मेरे पीछे जरूर बोलिए। आप कैसे हैं? मीरु एला उन्नारु, मीरु एला उन्नारु। तो जवाब भी देंगे ना उसका, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नेनु बागुन्नानु, मैं ठीक हूँ को तेलुगु में क्या कहेंगे? नेनु बागुन्नानु। मैं, नेनु, मैं है नेनु, यहाँ पर नू लास्ट में है, बागुन्नानु, नेनु बागुन्नानु, मैं ठीक हूँ, नेनु बागुन्नानु। मीरु एला उन्नारु? नेनु बागुन्नानु। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। द थर्ड वन इज, खाना खा लिए क्या? खाना खा लिए क्या, हिंदी में पूछते ना खाना खा लिए क्या, पूछते हैं ना, तो उसको तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे? भोजनम चेसरा, भोजनम चेसरा। नॉर्मली खाना खा लिए क्या को तेलुगु में अन्नम तिन्नारा बोलेंगे। अन्नम यानी खाना, तिन्नारा खाए क्या बोलेंगे, पर जैसे सुनने में बोलचाल में ज्यादा भोजनम चेसरा कहते हैं, तो मैंने इसलिए आपको भोजनम चेसरा बताया है। आप चाहे तो अन्नम तिन्नारा भी कह सकते हैं, पर बोलचाल में अच्छा लगता है भोजनम चेसरा। भोजन तो हिंदी वर्ड है, उसके बस पीछे माँ लगा देना, भोजनम हो जाएगा। चेसरा किए क्या, भोजन किए क्या, इसका मतलब वही है, भोजन किए क्या, चेसरा। कहीं पर भी अगर आपको सेंटेंस के पीछे आ की मात्रा दिखाई दे, यानी क्रिया के बाद में अगर आपको आ की मात्रा दिखाई दे, तो उसका मतलब होता है कि वो क्वेश्चन है, कि हम लोग सामने वाले से या किसी से भी क्वेश्चन कर रहे हैं। चेसरा किए क्या, तिन्नारा खाए क्या, पड़कुन्नारा सोए हैं क्या, क्या कभी भी क्रिया के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में आ की मात्रा आपको दिखे, यानी है कि वो क्या का संकेत दे रहा है, कि आप उससे क्वेश्चन कर, किसी से भी, कोई हो सकता है आपसे कर रहा हो, आप किसी से कर रहे, क्वेश्चन के लिए ही लास्ट में आ की मात्रा आती है। वर्ब के लास्ट में अगर आ की मात्रा लगी है तो आप याद रखिए कि वो क्वेश्चनिंग है, क्या का वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या को। तो उसका जवाब किस प्रकार होगा? हाँ खा लिए, दो जवाब देंगे, या तो खाए होंगे या तो नहीं खाए होंगे। तो दोनों सीखते हैं किस प्रकार कहेंगे। हाँ खा लिया, हाँ खा लिया को किस प्रकार कहेंगे? अवनु चेसनु, हाँ कर, से भोजन किया क्या क्वेश्चन था, तो हाँ अवनु चेसनु, हाँ कर लिया। अवनु तिन्नानु, हाँ खा लिया, दोनों ही सही है। अवनु चेसनु यानी हाँ मैंने भोजन कर लिया, अवनु तिन्नानु हाँ मैंने खा लिया, दोनों सही है। नहीं खाया, नहीं खाया को किस प्रकार कहेंगे तेलुगु में? से भोजन किया चेसावा, चेई लेदु, नहीं किया, चेई लेदु, लेदु यानी नहीं, चेई लेदु नहीं किया, तिन लेदु नहीं खाया, खाना खाए क्या, नहीं खाए या नहीं खाए, तिन लेदु, लेदु या नहीं, तिन यानी खाना, नहीं खाए, तिन लेदु, चेई लेदु, तिन लेदु, नहीं किए नहीं खाए, दोनों ही जवाब दे सकते हैं। द सिक्स वन इज, यह क्या है? आप कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ भी दिखता तो पूछते ना, यह क्या है, तो उसको किस प्रकार कहेंगे? इदी एमिटी, क्या यानी एमिटी, पर क्या को एमिटी कहते हैं, एंटी कहते हैं, कहीं कहीं एम बोल देते हैं, कहीं कहीं एम ही बोल देते हैं,
बोलचाल के तरीके में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह क्या है, इदी एमिटी या इदी एंटी, यह इदी क्या है, एमिटी या एंटी, क्या है एमिटी या एंटी। द सेवेंथ वन इज, बस इसी का जवाब है, यह टमाटर है। कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अगर मान लीजिए कि आप सब्जी मार्केट में है तो वो कहेगा यह टमाटर है, तो इदी टमाटा, इदी टमाटा, यह इदी टमाटा, कुछ भी सामान हो सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे टमाटर को लिया, इदी टमाटा, इदी टमाटा। द एइथ वन इज, यह कितने का है, यह कितने का है। जब आप मार्केट पहुंचेगा तो कुछ खरीद भी लीजिए, तो वो भी सीखते हैं कि किस प्रकार खरीदेंगे। तो पूछेंगे जैसे कि ये कितने का, टमाटर आप देख लिए हैं तो टमाटर कितने का पूछ रहे, सोचिए। तो इदी अंता, यह कितने का है, इदी अंता, यह इदी अंता, यानी कितना है कितने का है, मतलब नॉर्मल कितना के लिए यूज होगा, पर किसी का दाम पूछेंगे तो हम सामान फेंगे। अंता यानी कितने का है, या तो इदी अंता यानी कितने का है दाम, मतलब उस फ्रेज में उसको यूज करेंगे। इदी अंता, यह कितने का है, इसका दाम कितना, अगर वही क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी में घुमा दे, इसका दाम कितना है, तो बोलेंगे दीनी धरे अंता, दीनी यानी इसका, धरा दाम, अंता कितना है, इसका दाम कितना है, दीनी धरे अंता। नोट कर दीजिए इसको, ठीक है, ये कितने का है, इदी अंता, इसका दाम कितना है, तो दीनी धरे अंता। किलो तीस रुपए, किलो तीस रुपए का तेलुगु में किस तरह का कहेंगे, केजी मुप्पई रूपायलू, केजी मुप्पई रूपायलू, किलो को केजी कहेंगे, तीस को मुप्पई। अगर आपको तेलुगु की 1-2 नहीं आती है तो उस पर एक वीडियो बना है, उसको जरूर देखें। किलो तीस रुपए, केजी मुप्पई रूपायलू, रुपया कहते हैं तो उसमें बस रू की मात्रा लगेगी, रूपायलू, केजी मुप्पई रूपायलू। तो क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन आए हैं, कौन आए हैं, तो तेलुगु में कहेंगे एवरु वच्चारु, एवरु वच्चारु, कौन एवरु आए हैं, वच्चारु आए हैं, वच्चारु कौन आए हैं, एवरु वच्चारु कौन आए हैं, एवरु वच्चारु, राव जी आए हैं, राव जी आए हैं, तो कोई पर्सन मान लीजिए, फिलहाल मैंने यहाँ पे राव जी लिखा है, राव जी आए हैं, राव गारु वच्चारु, राव गारु, जी को तेलुगु में गारु कहते हैं, याद रखेगा जी को गारु कहते हैं, राव गारु वच्चारु आए हैं, वच्चारु आप, मतलब अभी राव जी यानी बड़े हैं ना, तो बड़े को आपके लिए, आप यानी मीरू, मीरू के साथ में रू है, तो लास्ट में आंसर में रू ही आएगा, वर्ब के लास्ट का जो वर्ड रहेगा रू आएगा, तो इसलिए राव गारु वच्चारु, राव गारु वच्चारु। छोटी छोटी बात का ध्यान रखिए, तेलुगु बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, बोलिए साथ साथ बोलिए, गलती होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे। मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग जरूर बोला कीजिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होते रहेगी। नेक्स्ट वन इज, क्या बात है, क्या बात है को तेलुगु में कहेंगे विषयम एंटी, विषयम एंटी या एमिटी, क्या को एंटी या एमिटी दोनों कह सकते हैं, विषयम एंटी या विषयम एमिटी, क्या बात है। अब जवाब दो तरीके से दे सकते हैं, तो पहला देखते हैं, जैसे आपसे कोई पूछना क्या बात है, तो कहेंगे कुछ नहीं ये मी ले दू, कुछ नहीं ये मी ले दू, कुछ ये मी नहीं ले दू, कुछ नहीं ये मी ले दू, या तो फिर वो कहेगा कि बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, वो तेलुगु में क्या कहेंगे, तरुवाता छिपतानु, तरुवाता छिपतानु, बाद में तरुवाता बताता हूँ, कौन बताएगा, वो पर्सन खुद बताएगा, तो मैं को क्या कहूंगी, नेनु, नेनु कहते हैं ना, तो इसलिए लास्ट में आएगा नु, छिपतानु, क्योंकि वो खुद बता रहा है अपने बारे में, तो बाद में बताता हूँ, तरुवाता छिपतानु, जैसे मैं कहूंगी बाद में बताती हूँ, तरुवाता छिपतानु, तरुवाता बाद में, छिपतानु बताता हूँ या बताती हूँ। 15th वन इज, आपकी तबियत कैसी है, कोई भी हो, पहचान वाले हो, बड़े हो, छोटे, पूछते हैं जब तबियत किसी की खराब है, नॉर्मली पूछते हैं इंसान की आपकी तबियत कैसी है, पूछते हैं ना, तो उसको तेलुगु में कैसे कहेंगे, मी आरोग्यम एला उंदी, मी आरोग्यम एला उंदी, मी आपकी तबियत, आरोग्यम तबियत, आरोग्यम कैसी है, कैसी एला है, उंदी, मी आरोग्यम एला उंदी, मी आरोग्यम एला उंदी, आपकी तबियत कैसी है, मी आरोग्यम एला उंदी, अभी ठीक है, अभी ठीक है, इप्पुडु बागुंदी, अभी इप्पुडु ठीक है, बागुंदी, अभी ठीक है, इप्पुडु बागुंदी, ठीक नहीं है, बागो लेदु, ठीक नहीं है, बागो लेदु, ठीक है, बागुंदी, ठीक नहीं है, बागो लेदु, ठीक है फ्रेंड्स। द लास्ट वन इज, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो तेलुगु में कहेंगे मीरु एक्कड़िकी वेळुतुन्नारु, मीरु एक्कड़िकी वेळुतुन्नारु, आप मीरू कहाँ एक्कड़ा जा रहे हैं, वेल्तुन्नारु, क्योंकि मीरू के लास्ट में रू है इसलिए वेल्तुन्नारु क्रिया के लास्ट में भी रू आया है, तो ये मीरू और वेल्तुन्नारु क्लियर हुआ, एक्कड़ा यानी कहाँ, यहाँ की क्यों आया है वो बताती हूँ मैं, कि तेलुगु में कहेंगे कहाँ को जा रहे हो, एक्कड़ की वेल्तुन्नारु,
कहां को बोलेंगे, इसलिए एकड़ा के बाद में की आएगा, कहां को जा रहे हो। तो इसका जवाब मैं मार्केट जा रहा हूं या मैं मार्केट जा रही हूं को तेलुगु में किस प्रकार बोलेंगे, इस बार आप कमेंट कर बताएं। जी हाँ, मैम बोल रही है, आप सुन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। इस बार आप कमेंट कर बताएं कि मैं मार्केट जा रहा हूं या मैं मार्केट जा रही हूं को तेलुगु में क्या कहते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको इन 45 डेज के पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप कर हमें व्हाट्सअप जरूर करें। उन पीडीएफ के लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमेशा कहती हूँ, जाने से पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट इसका आंसर भी करें और कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।